अदील वाइस के नाज़रीनों सामाईन इकराम अस्सलामु अलैकुम। यूँ तो इंटरनेट पर चीज़ें सर्च करने के लिए कई सर्च इंजन मौजूद हैं, लेकिन गुज़िश्ता दो दहाइयों से गूगल ने इस हवाले से अपनी अजारादारी कायम रखी हुई है। ताहम गुज़िश्ता बरस के आखिर में लॉन्च होने वाले चैट GPT की बेपनाह मकबूलियत की वजह से अब बज़ाहर गूगल को ख़तरा दरपेश है। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारा YouTube चैनल अदील वाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अजीज़ दोस्तों, मसनूई ज़हानत पर तहकीक करने वाली कंपनी OpenAI की जानब से नवंबर के आखिर में ChatGPT के नाम से एक चैट बॉट लॉन्च किया गया था, जिसे एक हफ्ते के अंदर 10 लाख से ज़्यादा सार्फीन ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। ताहम कंपनी ने खबरदार किया है कि ChatGPT से सार्फीन को इनके सवालात के मुतनाज़ा जवाबात भी मिल सकते हैं। ताहम इस हवाले से सोशल मीडिया पर नौजवान तलबा ChatGPT से सबसे ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इन्हें अब लगता है कि इनके लिए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का काम करना मज़ीद आसान हो जाएगा। यही वजह है कि अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क की जानब से स्कूल्स में ChatGPT पर पाबंदी आयद की गई है, ताकि बच्चे सिर्फ इसी पर इन्हिसार करते हुए काम ना करें। जबकि कंपनी OpenAI की जानब से एक बयान में कहा गया है कि हम सार्फिन से फीडबैक हासिल करने के लिए कोशिश हैं, ताकि इस निज़ाम में मज़ीद बेहतरी लाई जा सके। ChatGPT दरअसल कंपनी की जानब से मसनूई ज़हानत की बुनियाद पर बनाए गए सॉफ्टवेयर में ताज़ा तरीन इजाफा है, जिसे कंपनी की जानब से चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर या ChatGPT कहा जा रहा है। ChatGPT से अगर आप कोई भी सवाल पूछें तो ये आपको इस हवाले से एक मुफसल और बेहतर जवाब देने की सलाहियत रखता है, चाहे आप इससे कोई नज़म लिखवाएं या अपने स्कूल की असाइनमेंट में रहनुमाई हासिल करें। ये सॉफ्टवेयर आपको अक्सर मायूस नहीं करेगा। ChatGPT से हासिल होने वाले नतीजे ने अक्सर अफराद को खुशगवार हैरत में मुब्तला किया है। OpenAI चीफ एग्जीक्यूटिव ने अपनी एक ट्वीट में ChatGPT की खामियों का भी जिक्र किया है और इसमें बेहतरी लाने के लिए लोगों से मदद की अपील भी की है। OpenAI का कहना है कि इस चैट फॉर्मेट में मसनूई ज़हानत को सवालात पूछने, अपनी गलती तस्लीम करने, गलत सोच को चैलेंज करने और गैर मुनासिब सवालात को मुस्तरद करने की भी आज़ादी है। ताहम OpenAI ने खबरदार किया है कि ChatGPT कभी कभार बज़ाहर दुरुस्त महसूस होने वाले लेकिन गलत और मुतनाज़ा जवाबात लिख देता है। कंपनी का मज़ीद कहना है कि अगर हम इस मॉडल को मज़ीद मुहतात होने की ट्रेनिंग दें तो फिर ये इन सवालों के जवाब देने से भी गुरेज करता है जिनके दुरुस्त जवाब इसे मालूम होते हैं। अज़ीज़ दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।